उस वक्त नामांकन कम था और मेरे को लगा जैसे लाइक कम किया तो अध्यापक के नाते ये मेरा मतलब दायित्व भी था कि गांव के बच्चे गांव के स्कूल में आकर पढ़े, इसके लिए मैंने बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। और मैं वैसे होता अभिभावक से संपर्क, लेकिन मैं ज़्यादा विश्वास मैंने ये रखा भाई बच्चों जो जितने बच्चे आते थे उनके साथ मैंने अपने आप मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो बच्चे स्वयं जाकर यानी अभिभावक के सामने जाकर अपना रिजल्ट प्रस्तुत करें। और यही हुआ, यानी बच्चे वहाँ गए, यानी बच्चों के साथ मेहनत हुई तो उस वक्त स्वयं जाकर गांव के अंदर यानी और स्कूल में जाने वाले बच्चे थे उनके सामने अपना जो था वो बोलते थे, तो इससे अभिभावक और बच्चे प्रभावित हुए। और फिर उसके बाद जब चर्चा होने लगी कि वास्तव में यह पढ़ाई होती, फिर हमने वहाँ जाकर संपर्क किया और फिर कंटिन्यू बच्चे आने लगे। अध्यापक और शिक्षक के बीच में एकदम खुला बनाना चाहिए संबंध, यानी इतना खुला होना चाहिए जैसे बच्चा आए और अध्यापक को अपनी पूर्ण बात बता दे और अध्यापक के सामने खुल कर अपने विचार रखे, यानी बहुत ज़्यादा खुलापन होना चाहिए जिससे एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हो सके और खुलकर वो अपनी बात रख सके और अध्यापक उसके सामने अपना मतलब जो बात है उसको समझा सके। नवीन शिक्षण विधियाँ वो है जिनसे बच्चे सरल तरीके से और आसानी से जिस बात को जब उनको समझाना चाहता है उसको अच्छी तरह से सीख सके और उनको खेल के माध्यम से पकड़ सके। मुझे मतलब बच्चों को जब मैं गणित पढ़ाने लगा तो ये महसूस हुआ जैसे गणित अंकों की पहचान नहीं हो पा रही थी, और साथ ही साथ अंक यदि मान लो उनको बता दिया जाता था तो अंकों में जो स्थानमान जो अंकों का स्थानमान था वो नहीं बता पा रहे थे। तो मैंने प्रयास किया और मेरे दिमाग में विचार आया और तो मैंने कुछ कार्ड्स बनाए। कार्ड्स में यानी इकाई दाई सैकड़ा तक मैंने अंक लिए और उन अंकों के माध्यम से बच्चों को मैंने पहले यानी तीन कार्ड्स बनाए, पहले एक से लेकर नौ तक और फिर दस से लेकर नब्बे तक और फिर सौ से लेकर नौ सौ तक, यानी तीन भागों में मैंने कार्ड्स को बांट दिया। बच्चों को पहले समझाया, सौ वाले सैकड़ा वाले कार्ड्स बताए तो बच्चे सौ दो सौ तीन सौ नौ सौ तक उनको बार बार रिपीट समझ में आया। फिर मैंने बच्चों को दस और नब्बे से समझाया तो दस बीस तीस नब्बे तक बच्चे उसको पकड़ पाए। फिर मैंने बच्चों को एक और नौ से समझाया तो इस तरह वो यानी उन संख्या को अच्छी तरह पहचानने लगे। और फिर मैंने तीनों को यानी इकाई दाई सैकड़ा तीनों संख्या को एक साथ मिलाकर बच्चों को समझाने का प्रयास किया। पहले मैंने बोर्ड पे लिखा, बोर्ड पे लिखने के पश्चात बच्चों को वही रिपीट करवाया, उनको पहचान करवाई, धीरे धीरे पहचानने लगे। फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने कार्ड्स को साथ लिया, कार्ड्स को साथ लिए जैसे 920 बताने थे बच्चों को तो 901 900 का कार्ड लिया और एक 20 का कार्ड लिया तो उसमें दो कॉलम थे यानी 900 के दो बिंदु होते हैं तो एक बिंदु के ऊपर दोनों बिंदुओं के ऊपर 20 का कार्ड रख दिया मैंने और बच्चों को बताया कितना, बच्चे बोले 920। फिर बच्चे को बताया कि इसका मान कितना है तो बच्चा यानी जो इकाई का मान है वो नहीं बता पाए। तो फिर बच्चों को मैंने कार्ड हटाया, यानी जैसे एक तो कार्ड बताया अलग बताया जैसे ये शून्य है, फिर जैसे दो का कार्ड निकाल के बताया ये कितना है 20 है, फिर एक का मान पूछना था सैकड़े का तो फिर वो कार्ड हटा के बताया कितना सैकड़ा है, तो इस तरह रिपीट करने में बच्चे अच्छी तरह समझने लगे उसको। उसका करने का कारण जैसे कक्षा 3 4 5 को ग्रुप में बिठाते हैं अलग और उनको जैसे एक को लिखित कार्य दे दिया, तब तक एक को लिखित दे रहे हैं तब तक दूसरे को समझा दिया और फिर तीसरे को वापस पढ़ने के लिए पुस्तक दे दी और वापस रिपीट हो जाते हैं। जैसे किसी को लिखित दिया, लिखित को देकर हुआ वापस उसको पढ़ने के लिए यानी स्टडी करने के लिए दे देते हैं और जो स्टडी कर चुका उसको बोर्ड में लिखित शुरू करवा देते हैं और फिर वापस घूम कर इस तरह तीनों तरफ राउंड करते रहते हैं। एक तो कक्षावार होता है मेन, दूसरा कक्षावार जैसे कक्षा 3 तो बनती है लेकिन उनके अंदर जो उनका स्तर है, बच्चों का स्तर है यानी उनकी कैपेसिटी कितनी है वो ध्यान में रखकर उनका ग्रुप बनवाते हैं, यानी किस ग्रुप को कौन सी बात बतानी है उनके स्तर के अनुसार समझाना पड़ता है। स्वैच्छिक शिक्षक मंच के माध्यम से वास्तव में टीचरों को एक जिस तरह नवीनीकरण यानी बच्चों के सामने नवीनीकरण प्रस्तुत करने का एक मौका मिला है और वहाँ पर जाने से यानी हमें टीचर को एक नयापन महसूस होता है, नए तरीके सामने आते हैं और मेन बात यह है वहाँ पर जो टीचर जाते हैं वे स्वैच्छिक इच्छा से जाते हैं अपने, तो वहाँ पर जाकर आपस में वाद विवाद करके नए तरीके निकालते हैं। साथ में जो एक्सपर्ट होते हैं स्वैच्छिक शिक्षा मंच में करने वाले वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हैं और हमें अच्छे तरीके देते हैं जिससे हमें स्कूल में करने से बच्चों के सामने करने से अच्छी तरह से बच्चों का शिक्षण हो पाता है और उनका रिजल्ट अच्छा निकलता है।